श्रीकाल किम छु केरु हाल जय श्री कृष्ण जय जिनेन्द्र मैं चैताल पटेल आपके अपने चैनल स्टूडेंट खबरी पर और आज हम बात करने वाले हैं भाई फादर मुलर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मंगलौर। तो गाइज ये जो कॉलेज है मंगलौर में सिचुएटेड है तो आज हम इस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। गाइज अगर इस कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट की हम बात करें तो 1991 में ये कॉलेज समथिंग एस्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें भाई की ये ओनरशिप की हम बात करें तो ये जो कॉलेज है ये प्राइवेट कॉलेज है गाइस। उसके अलावा अगर हम इसमें नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स इसमें है 150। तो गाइस इसमें नंबर ऑफ सीट्स है 150। इसी के साथ साथ गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि हमारी रैंकिंग के हिसाब से ऐसे कौन से कॉलेजेस है जिनमें एडमिशन आपको मिल सकता है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीज आपको करनी है जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपको कॉलेज चूज करने के लिए। तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको तीन लिंक प्रोवाइड किए हैं, उसमें से जो एक लिंक है वो है प्रिडिक्टर। तो बेसिकली प्रिडिक्टर क्या वो करेगा कि आप प्रिडिक्टर जाइए, सब चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसमें प्रिडिक्टर में आप अपनी रैंक डालिए, आपको पता चलेगा कि आपकी रैंकिंग के हिसाब से ऐसे कौन से कॉलेजेस है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं ऑल ओवर इंडिया या फिर स्टेट वाइज ऐसे कौन से कॉलेजेस है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रिडिक्टर है वो प्रिडिक्ट करेगा कि आपके रैंकिंग के हिसाब से ऐसे कौन से कॉलेजेस है जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो उसके बाद अगर मैं सेकेंड नंबर की बात करूं तो वो है हमारा कोर्स। तो बेसिकली जो कोर्स है वो अगर आप जाएंगे चेकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप कोर्स लेंगे तो कोर्स में क्या होगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ ड्यूरेशन के टाइम जो हमारे काउंसलर्स हैं उसके बाद जो हमारी टीम है वो आपकी हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी कि किस कॉलेज में आपको अप्लाई करना चाहिए, आपके रैंकिंग के हिसाब से ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन से कॉलेज आपको अलॉट किए जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे नीट काउंसलिंग पास आती जा रही है वैसे वैसे स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं गाइस। चलिए देखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बेसिकली 10+2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर। तो इसी के साथ हम बात करें भाई आपका 12th में पीसीबी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है गाइस, मतलब आपका 12th में पीसीबी सब्जेक्ट होना जरूरी है। उसके अलावा भाई बायो के स्टूडेंट है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। इसके साथ साथ अगर बताऊं मैं इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट कंपलसरी होता है भाई नीट का यूजी एग्जाम। तो गाइस नीट का जो एग्जाम होता है उसके बेसिस पे एडमिशन्स प्रोवाइड किए जाते हैं कॉलेजेस में, चाहे फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे फिर प्राइवेट कॉलेज हो। अगर आपको एमबीबीएस करना है, बीएचएमएस करना है, बीओएमएस करना है, बीएएमएस करना है एंड सो ऑन, मतलब आपको अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको नीट यूजी देना जरूरी है। ऐसे के साथ साथ गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ सीट है 150 तो इसको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं भाई कि इसमें 100 सीट नॉर्मल हो जाती है, 50 सीट्स आपको मैनेजमेंट कोटा से मिलती है। तो गाइस जो 50 सीट्स होती है वो आपको मैनेजमेंट कोटा से मिलती है। उसके अलावा भी सीट्स में भी डिविजन हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं भाई कुछ सीट्स जो होती है वो जनरल कैटेगरी के लिए जाती है, फिर कुछ सीट्स होती है वो ओबीसी के लिए वेरीफाई कर देते हैं, कुछ जो सीट्स होती है वो एससी एसटी के लिए चली जाती है। मतलब एज पर द कैटेगरी सीट्स आर डिवाइड इन ईच एंड एवरी कॉलेज। तो गाइस एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। साथ ही साथ गाइस अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक प्रोफाइल एनालिसिस का फॉर्म है उसको जरूर फिल कीजिए ताकि आप एनालाइज कर पाए कि भाई आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से कौन सा कॉलेज है जो आपको अलॉट किया जा सकता है थ्रू आउट द काउंसलिंग पीरियड। तो गाइस एक बार चेकआउट जरूर कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ प्रेडिक्टर भी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, उसका जो कोर्स है उसमें भी काउंसलर्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। उसके अलावा अगर हम बात करें भाई फीस की कितनी है, तो भाई इस कॉलेज की फीस है 9.94 लाख पर एनम। तो गाइज इसकी साल की फीस जो है ना वो 9.94 लाख समथिंग इस कॉलेज की फीस है। मतलब अगर हम बात करें तो भाई बजट में है, बट अगर हम देखे जाए गवर्नमेंट कॉलेज को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है गाइस। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस थोड़ी नॉर्मल है तो प्राइवेट कॉलेज की फीस थोड़ी हाई है, मतलब इतना तो लेवल है उसका। बट ये लेवल क्यों है, क्योंकि उसमें कट ऑफ का एरिया इधर है। अगर गवर्नमेंट में आपको एडमिशन चाहिए तो कट ऑफ आपका हाई जाएगा, और प्राइवेट में चाहिए तो कट ऑफ थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब आपको थोड़ा कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो गाइस ये है हमारे
हमारा फादर मुलेर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मैंगलोर। तो गाइज ये जो कॉलेज है मैंगलोर में, अगर आप जाना चाहते हैं वहां पर, आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छे कॉलेज का ऑप्शन अवेलेबल है गाइज। फिर भी आप बहुत कंफ्यूज है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे और हमारे काउंसलर्स, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी आपको गाइड करने के लिए। और इसी के साथ साथ आप प्लीज वो तीनों लिंक को चेकआउट करना मत भूलिएगा, उसमें आपकी बहुत हेल्प होने वाली है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह हम कुछ और नए वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे गाइस। बाय बाय, टेक केयर, सी या। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.